प्रकार रखी गई है कि मान लो कि गागर में सागर भर दिया गया है, हमारे देश के हमारी देश की मातृभूमि पर शहीद हुए मेरे ऐसे वीर सपूतों को मैं शत शत नमन करता हूं, तथा उनकी माताएं और बहनों को भी शत शत नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरे मंच पर उपस्थित हाल ही में जीते हुए पंचायत चुनाव में ऐसे रणबांकुरों को भी मैं शत शत नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो इस प्रांगण में आ पाए और इस कार्यक्रम में चंद चंद आप लोगों ने लगाए हैं। दोस्तों, सामने बैठी हुई मेरी माताएं बहनाएं, इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं इतनी संख्या में आप सब लोग आए हैं। पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो दोस्तों, ये लोकतंत्र का एक ऐसा चुनाव है जो सबसे कठिन माना जाता है। इस चुनाव में जीते हुए मैं अपने सभी भाइयों से प्रार्थना के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अपने पिता से राजनीति के रूप में एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखी है कि राजनीति साधना है, साधन नहीं। जिस प्रकार एक तपस्वी तपस्या करता है अपने ईश्वर के लिए, उसी प्रकार एक राजनीतिक व्यक्ति को अपनी जनता के लिए प्रेम और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। मगर जो व्यक्ति राजनीति को सिर्फ साधन की तरह अगर इस्तेमाल करता है, तो इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जनता है, अगर फूलों की माला पहनाती है तो जूतों का भी हार पहनाने की ताकत रखती है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि राजनीति को साधना की तरह आप करें, साधन की तरह उपयोग ना करें, क्योंकि यह जनता है, यह सर पर भी बिठाती है और गलियों में भी घुमा देती है। मेरे पिता जब सांसद थे, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। जब हमारे घर पे बहुत लोग आते थे तो मेरे पिता हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, ये जनता नहीं, ये मेरा प्राण है और इसके लिए मैं जी भी सकता हूं और मर भी सकता हूं। इस जनता ने हमेशा ही मुझे सर आंखों पर बिठाया है। तब हम लोग थोड़ा सा सोचते थे कि कह तो रहे हैं और पता नहीं आगे जाके क्या होगा। मगर दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं लगभग 6 महीने से आप लोगों के बीच में लगा हुआ हूं और अब तक 125 गांव का मैं दौरा कर चुका हूं। मैं उस परमपिता परमेश्वर को एक ही उनसे इच्छा करूंगा कि मेरा जन्म जब भी हो, मेरे प्रभु दयाल कठेरिया मेरे पिता रहे हैं। मैं जिस घर में जा रहा हूं, जिस गली में जा रहा हूं, आप यकीन मानिए इतना प्यार सम्मान मुझे मिल रहा है कि मैं आपको सिर्फ बयान कर सकता हूं, बता नहीं सकता। दोस्तों, ज्यादा अधिक ना बोलते हुए सिर्फ एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपके चरणों का आशीर्वाद मिला और आपका प्रेम मिला, तो यकीन कीजिए कि ऐसा जनसेवक आपको बनके दिखाऊंगा अपने पिता के कदमों चिन्ह पर चलते हुए। आप लोगों के साथ मैं दिन रात आप लोगों की सेवा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।